guys, welcome back to the channel and this is day 4 and episode number 5. So कल हम रात को सारचू पहुंच चुके थे and अब हम सारचू से जाएंगे डायरेक्ट ले सिटी के लिए. एंड अभी तो धूप भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, मतलब वेदर काफ़ी क्लियर है. ये हमारा कैंप था, ये सारे पीछे कैंप सेटअप हुए पड़े हैं. तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको डायरेक्ट रोड पे. वैसे ये हमारी बाइक से दोनों बाहर लगी हुई हमारे कैंप के. चलो गाइस, करते हैं आज का सफ़र शुरू. सारचू से ले सिटी तक का मारोगे थोड़ा. एक बार देखना अंदर कुछ रहा तो नहीं हमारा. तो चलो गाइस, जय माता दी. बड़ी मुश्किल से निकलने वाले हैं 6 घंटे वेट करने के बाद. ओके भाई, ओके भाई, ओके शुक्रिया. गाना माता ओके प्रदीप जी, बाय बाय जी. हाँ, मिलूँगा पक्का फिर. सो गाइस, सुबह हमारा प्लान था निकलने का 9 बजे का. एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी वाली बाइक पंचर हो गई थी. तो रास्ते में कोई पंचर नहीं है, कुछ नहीं है, ना ही किसी के पास इतना, किसी ने ट्यूब जहाँ कैरी करा होता है. तो अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास ट्यूबलेस बाइक हो और आपके पास एयर पंप प्लस पंचर किट हो, तो कोई पंगा नहीं है. क्योंकि पेट्रोल तो आपको कोई ना कोई दे ही देगा, लेकिन आपकी पंचर की प्रॉब्लम कोई नहीं सॉल्व करेगा. तो हम सारचू दोरजे कैंप्स में रुके थे कल रात को. तो वहाँ से पीछे किसी ने बताया कि केलेंगसराई ऐसी कोई जगह है जहाँ से 11 किलोमीटर दूर थी. तो वहाँ से भी हमने पंचर लगवाया. तो अभी ले की और चल पड़े, लेकिन अभी 3 बज चुके हैं तो ले तो नहीं पहुंच सकेंगे आज. तो कोशिश करते हैं कि पांग तक पहुंच जाएं और वहां ही अपनी आज की नाइट जो है स्पेंड करें. तो चलो गाइस, स्टे ट्यून्स. अभी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर सारचू बैरियर है, उसके बाद हम लद्दाख में एंटर हो जाएंगे. वैसे जो लद्दाख वाले पहाड़ हैं वो शुरू हो चुके हैं बारालाचा के बाद. तो अभी 6-7 किलोमीटर रोड अच्छी है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एक पैच ख़राब है 100-150 मीटर का. क्योंकि मैं सुबह गया था वहाँ पर भी पंचर का पता करने. टोटल 40 किलोमीटर पंचर का पता करने में ही हमारे निकल चुके हैं. तो चलो गाइस, स्टे ट्यून्ड, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में. ऑलमोस्ट हिमाचल की जो सीमा है ख़त्म हो चुकी है. पांग 88, थांगलांगला 156, ले 252 एंड उपशी 202. एंड हमें तो एक पांग रुकना पड़ेगा आज. और यहाँ से रजिस्ट्रेशन होती है, मतलब एंट्री, वो नंबर वगैरह नोट करते हैं तो फिर हम जा सकते हैं आगे लेके. और तो चलो मैं नंबर नोट करवा के मिलता हूँ आपको. गाइस, हमने एंट्री करवा ली है वहाँ से, पता नहीं एंट्री की एग्ज़िट हुई है, एग्ज़िट हुआ है. एंड वो जो आपको दिख रही हैं सारी शॉप्स एंड ऑल, वो लद्दाख का पार्ट है. एंड अभी एक छोटी सी वाटरफॉल आएगी, वहाँ पर मैं सुबह का 2 बार जा चुका हूँ. यहाँ पे पंचर का पता करने आया था. एंड अभी फिर से दिखाता हूँ आपको. वाटर क्रॉसिंग है तो छोटी सी, लेकिन है. यहीं से शुरू होती है वो वाटर क्रॉसिंग. एंड होप सो इसके बाद कोई भी वाटर क्रॉसिंग ना ही आए तो अच्छा है. ये रही डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, पीछे पीछे देख लूँ मैं हमारे. तो निकल जा भाई। गाइस यहाँ से है एक शॉर्टकट हमारे पीछे, तो यहाँ से लिया था मैंने, लेकिन अभी एक सीधा चलता है बेटर रहेगा, रिटर्न नहीं होगा। चलो गाइस दो गाड़ियाँ इनको निकलना होती है, तो हम निकल रहे हैं यहाँ से ना। शराब की दुकान है, पंचर की कोई दुकान नहीं है। निकलना ही पड़ेगा भाई, ट्रक आ गया ना उधर से। जल्दी जल्दी में निकलना होगा। वो तेरे पत्थर इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन पानी के कारण दिखता नहीं है कुछ ना। तो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो ये दो ट्रक गुजर जाएंगे तो फिर हम निकलते हैं। गाइस इस ब्रिज की हालत देखिएगा, आफ्टर दिस ब्रिज वी विल बी इन लद्दाख। लेह इज़ 251, करू इज़ 217। यहाँ पे हमें पेट्रोल मिलेगा। डॉक्टर साहब भी आगे पीछे। वो तेरे उपशी इज़ 202। तो उपशी के बाद जो सुनसान एरिया है वो आई गैस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये ब्लू वाला बोर्ड मीन्स यू आर इन लद्दाख नाउ। रोड का काफ़ी बुरा हाल है। तो यहाँ पे एंट्री होगी हमारी लद्दाख जाने के लिए। लेह 251, कारगिल 475। वापस कारगिल के थ्रू जाएंगे। हाँ, लेह वगैरह हम नहीं जा रहे गैस। यहाँ पे कोई नहीं है। डॉक्टर साहब को भेजता हूँ मैं। व्हाट हैपन डॉक्टर साहब? ऑल गुड, वी आर इन लद्दाख फाइनली। वैसे तो हम सुबह हो चुके हैं एक बार लद्दाख में यार। डॉक्टर साहब की बाइक पर आए थे यहाँ तक। एंड चलो मिलते हैं थोड़ी देर आपको बाद में आगे जाके। हम ना सभी बोल रहे थे कि रास्ता में एक 10-12 किलोमीटर का पैच आएगा जो कि बिल्कुल मिट्टी वाला है, तो आई गेस वो शुरू हो चुका है। एंड बहुत ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पर, और पता नहीं कितनी देर रहेगा, 1 घंटा लगेगा यहाँ पे। गाइस बीच में ना रोड आ रही है अच्छी, वहाँ से मैं घूम के वो सामने जाना है, फिर उसी रोड पे वहाँ से इधर से घूम के फिर उधर ही जाना है हमें। अगर इधर से यहाँ से डायरेक्ट पुल बन जाता तो अच्छा रहता सब कुछ। जो नीचे आपको दिख रही है ना उधर उधर से ही पीछे से वो ब्रिज से इस साइड जा रहे हैं। सो चलो गाइज, स्टे कनेक्टेड। आज बहुत ज़्यादा थक चुके हम, सुबह का बाइक रिपेयर से वो बस सारा दिन ऐसे निकल गया। तो यह वो मिट्टी वाली रोड वैसे साइड पे बन चुकी है, अभी उन्होंने चालू नहीं करी तो इसी से ही जाना पड़ेगा। अभी देखो ये कितने किलोमीटर मिलती है ये वाली रोड में। गाइस आपने देखा लोग कैसे जा रहे हैं। फॉर्चुनेटली हवा उस तरफ की है राइट साइड की, तो जो भी गाड़ियाँ आएंगी उनकी धूल मुँह पर नहीं पड़ेगी। इधर तो कभी वाटर क्रॉसिंग ने जान ले रखी है, कभी मिट्टी क्रॉसिंग ने। बहुत ही चैलेंजिंग है यार। वो देखो मेरा पैर देखो, अगर देख पा रहे हो। भैया कितनी देर ऐसी रहेगी रोड? हाँ जी 5 किलोमीटर पांग तक ऐसी है मिट्टी वाली। तो गाटा लूप्स कब आएगा? 21 मोड़, हाँ 22। गाइस लगभग आधा घंटा इतनी गंदी मिट्टी वाली रोड पर बाइक चलाने के बाद अभी थोड़ा सा साफ हुआ है। एंड डॉक्टर साहब अभी पीछे हैं तो मुझे वेट करनी होगी यहीं कहीं पे उनकी। एंड आप मेरा पैर देखिए, ये वाला ये जैकेट। यहाँ से 60 किलोमीटर अभी और है, तो आज की हमारी जो स्टे रहेगा वो पांग ही होगा। और कल हम अगर भगवान ने चाहा तो पहुँचेंगे लिए। यहाँ पे कोई काम चल रहा है तो हमें रुकना पड़ेगा मे बी थोड़ी देर। भाई साहब हमारा आधा घंटा वहाँ पे ख़राब हो गया। यहाँ पे रोड का काम थोड़ा चल रहा था। ये आया ब्रांडी ब्रिज एंड अभी हम हैं गाटा लूप्स के आसपास, जिसको 21 या पता नहीं 22 मोड़ कुछ ऐसे बोलते हैं। और पांग है 56 किलोमीटर एंड टाइम है 4 बज चुके हैं दोपहर के। अभी थोड़ी सी रोड साफ आई है जिस पे थोड़ी सी बाइक की स्पीड इंक्रीज हो सकती है। सो गाइस इसका नाम है बिस्की ब्रिज एंड बिस्की नाला। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं गाटा लूप्स। टोटल 21 लूप्स, अल्टीट्यूड 4,201 मीटर 13,780 फीट और 21 मोड़ आएंगे अभी यहाँ पर। तो इसकी भी एक फ़ोटो ले लेते हैं। आ गया अपना फ़ोन। सो गाइस फ़ोटो क्लिक कर ली है, अभी ऊपर को जाएंगे। एंड चलो गाइस Stay tuned। और यहाँ पे लिखा है गाटा लूप्स एंड्स एंड ओके। और गाटा लूप्स के बाद आएगा पांग। पांग वैसे यहाँ से भी 52 किलोमीटर्स आई गेस है। अभी मैंने वो पढ़ा था स्टोन। तो गाटा लूप्स स्टार्ट हो चुके हैं। गाटा लूप्स BRO सो रोड ठीक हो। ये कैसे ऊपर से ट्रक आ रहा है। एंड अभी आई गेस 2 मोड़ हो चुके हैं हमारे। ओके ये बस कैसे टर्न हो रही है। एक तो बार बैक हो चुकी है एंड अभी निकली हरियाणा की बस है और ड्राइवर पंजाब से हैं। तो चलो बस निकलते हैं हम। देखा कैसे नीचे सारी टर्न्स दिख रही हैं। वैसे अभी हमारा कंप्लीट तो नहीं हुआ। ओके गाइस चलो निकलते हैं यहाँ से। अभी काफ़ी ऊपर जाना है हमने। गाइस ऐसा लग रहा है जो 21 मोड़ नहीं 2100 मोड़ है। ख़त्म ही नहीं हो रहे भाई। और इन पे हाइट भी इतनी है कि बाइक ज़्यादा भगा नहीं सकते। एंड व्यूज़ तो सही है बट डिफ़िकल्ट चीज़ है भाई, डिफ़िकल्ट। ओके डोंट बी ए गामा इन द लैंड ऑफ लामा। गाइस ये एक जगह है जहाँ पे सभी लोग पानी की बोतल चढ़ाते हैं एंड आधे समय अगर देखते हैं तो वो खाली होती है। तो हम भी एक बोतल लेके आए हैं। तो डॉक्टर साहब के पास है, वो यहाँ पे बोतल अपनी चढ़ा देंगे। तो स्टोरी आपको बाद में बताएंगे। ये बोतल ली थी सारचू में, यहाँ पे हम रुके थे ना, वहीं उनसे। चलो जय श्री हनुमान जी की। सो गाइस इस जगह की स्टोरी ये है कि एक ट्रक आ रहा था, एक ड्राइवर और को ड्राइवर था साथ में। जितनी मुझे पता है, बाकी हो सकता है कि जो मैंने सुना वो 100% वही है, जहाँ थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हैं। तो दोनों में से एक की डेथ हो गई थी इसी जगह पे भूख प्यास से, क्योंकि बर्फ़ पड़ गई थी, रास्ता बंद हो गया था। तो फिर जिसकी डेथ हुई थी उसकी आत्मा लोगों को यहाँ पर आके रोकती थी, गाड़ियों को, बाइकों को, और लोगों से पानी की मांगती थी और रो रो के पानी मांगती थी। तो फिर ये बात धीरे धीरे इधर उधर फैलने लगी। तो हर एक राइडर ने, गाड़ी वालों ने यहाँ पे बोतलें चढ़ानी शुरू कर दी। और फिर पंडितों से गति करवा दी, लेकिन अभी किसी को किसी के दर्शन नहीं होते। लेकिन ये है कि लोग पानी ज़रूर चढ़ा रहे हैं यहाँ पे। कई लोग शराब भी चढ़ाते हैं, खाने पीने का सामान भी। गाटा लूप्स ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड लगा है। हाँ जी हाँ जी, गाटा लूप्स एंड्स 15,302 फीट की हाइट पर पहुंच चुके हैं हम अभी। एंड मेरी लाइफ में पहली बार मैं इतनी हाइट पे हूँ। from sea level। और मैं इतनी हाइट पे ड्राइव कर रहा हूँ और भी राइड और वो भी टू व्हीलर एंड डॉक्टर साहब भी। ओके गाइस टेक नेक्स्ट। सो गाइस वी आर नाउ एट नकीला टॉप विच इज़ 15,547 फीट। ओके डॉक्टर साहब आर्मी वाले आए थे उनके पास तो होता कोई ना कोई जुगाड़, वो भी इमरजेंसी में करने देते हैं वैसे। मेडिकल इमरजेंसी है ना तो करें। सही बात है। अरे सुबह कल हमने नकीला टॉप क्रॉस कर लिया है एंड अभी ठंड भी हो चुकी है। एक राइडर हैं फरीदाबाद से जो हमारे साथ अभी हो चुके हैं इकट्ठे, तो हम तीनों आज पांग में स्टे करेंगे और कल सुबह 6 बजे का प्लान है निकलने का लेह का, लेकिन पता नहीं क्या होता है कल, देखते हैं। सामने बड़ी दूर रोड्स दिख रही हैं तो वहाँ पर जाना होगा, तो बड़ा ही टफ लग रहा है अभी यहाँ से देखने में तो, बट अभी जाना तो पड़ेगा ही भाई साहब। अपना घर अपना ही होता है, अगर घर पे होता कुछ ना कुछ खा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, तो अभी पंगा ले ही लिया है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। पांग 32 किलोमीटर्स, अभी भी 32 किलोमीटर्स हैं भाई साहब। ओए तो यहाँ पे एक ट्रक गिरा हुआ है, काफ़ी देर पहले का लग रहा है। सो गाइस शाम काफ़ी हो चुकी है, लेह अभी भी 203 किलोमीटर्स है, लेकिन हमें तो पांग ही रुकना है। पांग है अराउंड 27 किलोमीटर्स। सो गाइस वी हैव रीच्ड एट लाचुंगला पास एट द हाइट ऑफ 16,616 फीट। वाओ ग्रेट मैन, जय भोलेनाथ भाई। कैसे से अभी इसके बाद डाउन ही रहेगा, तो लाचुंगला की भी फोटो ले ली जाए। ओके तो डन गाइस, अभी निकल रहे लाचुंगला से। सो गाइस अभी अंधेरा काफ़ी हो चुका है, थोड़ी सी ठंड भी बढ़ चुकी है एंड मैंने भी ग्लव्स और जैकेट डाल ली है एंड पांग अभी रहता है अराउंड 20 किलोमीटर्स, तो हम अभी आपको मिलेंगे जाके डायरेक्ट पांग में। सो स्टे कनेक्टेड। एंड आपको दिख रहा होगा पांग हम पहुंच चुके हैं 15,280 फीट की हाइट पे। सो दिस इज़ पांग। सुबह खींचेंगे यहाँ पे फ़ोटो, तो अभी देखते हैं कहाँ स्टे करना है, क्या सीन है। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे लगाते हैं अपनी बाइक्स को और फिर करते हैं सारा कुछ चेक। सो हेलो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड एट पांग एंड टाइम इज़ 8:15 इन द इवनिंग और नाइट व्हाटएवर यू कैन से। दीदी के यहाँ पे स्टे है, होम स्टे, यहाँ पे आज स्टे करेंगे ये है एंड यहाँ पे सिर्फ उन्होंने 150 चार्ज करा फॉर पर पर्सन फॉर अ नाइट। एंड सुबह हम निकलेंगे यहाँ से ले के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइस, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड बाय।